हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कल्याणी त्यागी आप सबके सामने लेकर आई हूं आज यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सी एक सूचना किससे रिलेटेड है? आपके एग्जाम से। आपके एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो हमसे काफ़ी कुछ गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो जानबूझकर नहीं करते हम, लेकिन हो ही जाता है। और जब हम आते हैं आप बताते भी रहते हो कि मैम हमने गलत गोला फिल कर दिया है इसलिए गलतियां हो गई हैं, या हमारा एक नंबर यहाँ से कट हो जाएगा, या हमने जल्दबाजी में कुछ गोले हैं उनको छोड़ दिया है। तो हम वो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं जिससे हम इन छोटी छोटी सी गलतियों से बच सकें और अपने जो नंबर है जो हमारे जाते कभी 2 कभी 3 कभी 4, हम इनसे भी अपने आप को बचा सकें। तो कुछ और हाँ, कभी-कभी आपका एक और भी डाउट आता है कि हमने जल्दबाजी में अपना जो रोल नंबर है वही गलत कर दिया है। तो आखिर हमें क्या करना है, किन सावधानी से हमें अपनी ओएमआर सीट को फिल करना है, उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो अगले 2 से 3 मिनट आपके लिए ये वो 2-3 मिनट होंगे जो आपके एग्जाम में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आप गलत करते हैं आपको उन गलतियों से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब आपके पास में आपका रोल नंबर आपका रोल नंबर ऑलरेडी होता है, आपके पास में आपकी एक ओएमआर सीट आती है, उसको फिल करने के लिए आपके एग्जाम से पहले, आपके पेपर से पहले बाकी जो चीजें हैं वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें अपने रोल नंबर को बहुत ध्यान से फिल करना होगा। आप अपना रोल नंबर जब फिल करेंगे, जो जो नंबर होगा उसके नीचे आप उन्हीं नंबर्स को गोले से फिल कर देते हो। ये एक नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स हमारा ऐसा नहीं होगा जिस छोटी सी बात को नहीं जानता होगा। हम यहाँ से सीधा जो चलेंगे अपने एग्जाम में, जो हम अपने गोले फिल करते हैं ना, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे यहाँ पर कि हम उन गलतियों से कैसे बचे। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि जब आप अपनी बुकलेट में अपनी जो टिक कर लेते हैं कि इसका आंसर ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, जब आप इस तरीके से कर लेते हैं और जब आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का गोला फिल करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पर जाना है और मुझे पता है कि भाई इसका जो आंसर है 1 का मुझे 2 या 3 या ए बी सी डी में से कोई एक लगाना है, और आप गलती से क्या करते हो, सेकेंड वाली रो में जाते हो और उस गोले को फिल कर देते हो। जाना फर्स्ट वाली रो में था और हम कहाँ जाते हैं, सेकंड वाली रो में। तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा। देखो, कुछ स्मार्ट्स बच्चे होते हैं वो इस तरह का काम करते भी हैं। आप जब भी अपना कोई क्वेश्चन देख रहे होंगे, जब आप उसमें टिक कर रहे होंगे तो आप इसको अपने साइड में रखकर चलिएगा। आपने वहां पर टिक किया तो एक छोटा सा बिंदु, एक डॉट आप उस वाले कॉलम में भी लगा सकते हैं जिसको आपको फिल करना है। एक तरीका तो ये है, ये उन बच्चों के लिए है जो एंड टाइम पर, या कहें जब काम ज़्यादा आ जाता है या जल्दबाजी में वो गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों से बचने का एक सबसे सिंपल और सरल तरीका यही होता है। फिर दूसरी बात जो आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको गोला इस तरीके से भरना है कि आपका जब गोला फिल करे एक तो वो खाली ना रहे। मतलब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में सिर्फ आधा गोला तो फिल कर देते हैं और आधा छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी आपका काउंट में नहीं आता है। फिर उसमें लिखा हुआ भी होता है कि बाहर न निकालें या उसको खाली ना छोड़े। खाली छोड़ने का मतलब होता है आधा का आधा, बस एक बार ऐसे गोल गोल पेंसिल घुमाई और फिर आप बाकी का उसको छोड़ देते हैं, तो वो भी आपका काउंट में नहीं आता है और इससे भी हमारा एक नंबर कट जाता है। फिर एक तो मैंने बताया आपको कि आप टिक लगाकर भी छोड़ सकते हैं, आपको वहाँ से याद रहेगा। फिर दूसरा हमें ये भी रहता है कि जब जितना समय हम टिक लगाने में लगाते हैं तो उसमें हम गोला फिल करने में भी लगा सकते हैं, लेकिन उस समय पर हमें जल्दबाजी सभी क्वेश्चंस को पढ़ने की होती है। इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप एक प्रश्न पढ़ें उसका गोला फिल करें, दूसरा पढ़ें, नहीं। पहले आप तसल्ली से आराम से बैठ कर अपना एक, जैसे मान लो हमें सीडीपी के क्वेश्चन करने, तो पहले 30 क्वेश्चन देखो, उन 30 क्वेश्चन के आप चलो। वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि मैं कितने क्वेश्चन तक आ गया हूं, 20 का 25 में, 25 का 30 में, ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। जब हम लैंग्वेज में आएंगे, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है हमारे सामने लैंग्वेज में आकर आती है कि हमें लैंग्वेज को किस तरीके से करना होगा। जब आप लैंग्वेज में जाएंगे तो आपके पास में ऐसे आएगा 30 क्वेश्चन आपके, मैं पेपर 1 के अकॉर्डिंग बताती हूँ, पेपर 2 के अकॉर्डिंग भी बता देंगे हम आपको। आपके पास में 30 क्वेश्चन सीडीपी के आ गए हैं, 30 क्वेश्चन उसके बाद में आपके मैथ्स के आ गए हैं, 30 आपके पास में ईवीएस के आ गए हैं। उसके बाद में आपके पास में आएंगे, जैसे मान लें आपके पास में लैंग्वेज 1 में हिंदी है और लैंग्वेज 2 में आपके पास में इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 1 में आप जब जाएंगे तो 91 से लेकर 120 तक के जो प्रश्न होंगे वो तो आपको हिंदी में सॉल्व करने होंगे, और फिर आपको जाना होगा सीधा 121 पर, उसके हिंदी के जो इंग्लिश, पहली जो इंग्लिश होगी उसको छूना नहीं, ठीक है। फिर आप जाइएगा 121 पर, जब 121 नंबर जो इंग्लिश का होगा 121 से लेकर 150 तक आपको इंग्लिश फिल करना होगा। और अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में लिया है तो 91 से लेकर 120 तक आपको इंग्लिश में जाना है, और 121 से लेकर आपको 150 तक आपको हिंदी में जाना है। ऐसे आप संस्कृत के साथ में भी आपको रखना है, लैंग्वेज को बड़े ध्यान से भरना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो 91 होता है आपका, 91 से 120 तक की ही इंग्लिश फिल कर देते हैं, 91 से 120 की ही आप हिंदी फिल कर देते हैं, और उससे जो आपके नंबर होते हैं वो कट जाते हैं। तो ये भी गलती आपको ओएमआर सीट भरते हुए ध्यान में रखना है कि आपको पेपर में आपके कितने नंबर से कितने नंबर तक इंग्लिश है, कितने नंबर से कितने नंबर तक आपकी हिंदी है, आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर आप जब भी आप कोई गोला फिल कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा कि आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक ही लाइन में दो गोले फिल कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, मान लो आपने ये सारा फिल हो गया है, यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर मेरे पास में 44 है, 44 का मैंने ए फिल कर दिया, 45 में मुझे जाना था लेकिन उसके बदले में मैं आगे थोड़ा सा गया, मेरे को जाना था डी फिल करना है, तो मैंने 44 में ही मैंने डी भी फिल कर दिया। वो कब होता है? जब हम जल्दबाजी में करते हैं। मैंने फिर कहा उसका सिर्फ सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मैं अगर यहाँ पर पहले से एक टिक लगा कर रखूंगा तो मुझे पता रहेगा कि भाई मुझे इसमें ये वाला गोला फिल करना है, इसमें ये वाला गोला फिल करना है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर बाद में तुक्का लगाते हैं, और तुक्का लगाते हुए भी क्या करते हो, ध्यान ही नहीं देते, एक ही जगह पर दो गोले फिल हो जाते हैं, और बाद में याद आता है कि अपने तुक्के के चक्कर में जो सही था वो भी हम गलत कर गए। तो इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा, उन्हीं के आधार पर ही आपको टिक लगाना होगा। बाकी हम सबकी ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत ध्यान से अपने एग्जाम को करके आए। और मैं सिर्फ एक बात फिर से कहूँगी, और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट बात यह है कि जब तक चारों ऑप्शंस नहीं देख लोगे, आप जब तक चारों ऑप्शन नहीं देख लेंगे तब तक आंसर मत करिएगा। पहले ही दो ऑप्शन देखकर किसी भी आंसर को टिक करने की गलती बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है जो डी वाला ऑप्शन है वो पहले दो से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम सबसे अधिक सबसे कम में देखते हैं तो चारों ऑप्शन देखकर ही हमें आंसर करना होता है। तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट करके आइएगा, बढ़िया करके आइएगा, धैर्य के साथ में करिएगा, पैसेज को बड़े दिमाग से समझ कर आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो हो सकता है जो सही होना है हम उसको जल्दी में गलत कर दें। तो हमें इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है। अब हम यहाँ पर अलविदा लेंगे, आप सबको बेस्ट विशेष के साथ में। तो आपने पेपर को अच्छे से करके आइएगा, बाकी हम मिलेंगे एनालिसिस में। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।